देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए सीधा रुख करते हैं प्रदेश की अहम खबरों की ओर। खबर है जनपद कासगंज से, जहां पर वांछित अपराधी ने खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि झगड़े के विवाद में पुलिस नगला बलिया पहुंची और रिश्तेदार के यहाँ सोनू यादव ने खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि सोनू यादव एटा जनपद की नगर कोतवाली क्षेत्र के रुद्रपुर गांव के रहने वाले थे। पूरा मामला सोरो कोतवाली की नगला बलिया का है। ये नगला के गांव में एक अपराधी ने खुद को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली है। इससे पहले सर उसने पुलिस पर फायरिंग का मामला सामने आया, क्या कुछ वजह निकल के आ रही है? देखिए एक प्रार्थना पत्र थाना सोरो पे प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति जिसका नाम आर्यन यदुवंशी उर्फ सोनू यादव है, रहने वाला है रुद्रपुर एटा का है, इस गांव में आके नगला बगिया में काफ़ी उत्पात मचाता है और लोगों को, यहां पे स्थानीय लोग हैं उनको यहां पे परेशान करता है। कुछ स्थानीय लोग प्रार्थना पत्र लेके थाने पे आए थे। पूछताछ न करने हेतु हमारे न सब इंस्पेक्टर दिनेश और उनके साथ टीम पूरी यहां पे आई थी कि क्या घटना है एग्जैक्टली। इस व्यक्ति ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की है और फायरिंग करने के बाद खुद ही को उसने अपने ही तमंचे से गोली मार ली। फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया है, तमंचा इत्यादि रिकवर किया गया है, फिंगरप्रिंट्स इत्यादि भी लिए गए हैं। सर मरने में ये भी ज्ञात हुआ है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कुल 17 मुकदमे थाना जनपद एटा में और अन्य जनपदों में पंजीकृत है। इसके कुछ 82 की कार्रवाई भी कुछ मुकदमे में हुई है।